हेलो यार, तो क्या हाल चाल है? और मेरा नाम है तो मैंने अपनी पिछली वीडियो हकीकत टीवी पे बनाई थी, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ना उस वीडियो में कोई गाली थी और ना ही उसमें बिला वजह हकीकत टीवी पे कोई इल्जाम लगाया गया था। सारी वीडियो लॉजिक्स और फैक्ट पे बनाई गई थी, लेकिन हकीकत टीवी के फैंस को कहां समझ आती है ये बात। तो वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। हकीकत टीवी के फैंस ने वीडियो के कमेंट्स में आके फूल बरसाना शुरू कर दिए। तो चलो यार, फिर हकीकत टीवी के ब्लाइंड सपोर्टर्स पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वैसे तो कोई टॉपिक मिल नहीं रहा वीडियो बनाने का। बहुत चंगा ना मैं। चल कोके हो जा शुरू। लानत कुत्ते तेरे ऊपर, बगैरत कुत्ते तू आला दर्जा का है बगैरत। हकीकत टीवी वाले ब्रो बहुत नाइस हैं। आई लव हकीकत टीवी ब्रो। भाई इस कुत्ते को भूकने दो, नो टेंशन। वैसे आपके हकीकत टीवी के स्पेलिंग HAQEEQAT है। मेरा हिसाब लगा लो, मुझे हकीकत टीवी के फैंस को एजुकेट करना पड़ रहा है। इस बंदे ने वीडियो में 5 कमेंट किया और उसने मुझे एंटी नेशनल भी साबित कर दिया है। तो यहाँ से तुम इसके वेलेपन और अकेलेपन अंदाजा इजीली लगा सकते हो। डब के मर जाओ, यहाँ किसी ने तेरी बकवास को नो सुना। भूंक कुत्तु भूंक। मेरी वीडियो ने इसके जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। इसकी अपनी जुबान इधर उधर निकल रही है, इसके अपने अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे। ये हकीकत टीवी को क्या सपोर्ट करेगा? आहा। तू लोर पे चढ़ सेल और बकवास बंद कीर कोट। अगर तेरे को HTV इतना बोरा लगता है तो उसका मोनोग्राम चोरी क्यों किया हुआ है लाइक लेने के लिए? लानत है ऐसी वीडियो अपलोड करने पे सेल। देखो गुड मैन ने कितना गुड कमेंट किया है। एक अच्छी पॉजिटिव फैन बेस और एक टॉक्सिक फैन बेस में बड़ा फर्क होता है, और ये गुड मैन टॉक्सिक फैन बेस की जिंदा मिसाल है। और अब एक बात तुम लोगों ने खुद नोट करनी है कि हकीकत टीवी के फैंस के कमेंट्स के स्पेलिंग देख लेना, तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हकीकत टीवी की फैन बेस किस तरह की है। अभी और सुन, रही बात ये मोनोग्राम चोरी करने की, तो यकीन करो इतने कोई बंद दिमाग के लोग थे ना जो मुझे हकीकत टीवी की तरफ से हेट देने आए हैं। भाई पैरोडी नाम की एक चीज होती है, लेकिन आपको कहां समझ आएगा? आपको आपकी जुबान में समझा देता हूं। किसी भी शायद ही मजाक च रीस लोन नु पैरोडी कहिदा, ते ओही मैं इस वीडियो च कीता सी। ये कौन बोल रहा है? आई थिंक ही इज गे। क्या थिंक ही इज गे? तुम पागल हो यार, आपको कुछ मालूम नहीं है। आपको क्या मालूम? आप भी इल्यूमिनाटी हो। उआर, एक ने एंटी नेशनल बना दिया, एक ने गे बना दिया, एक ने इल्यूमिनाटी बना दिया। ये चल क्या रहा है? मेरी अपनी क्या जिंदगी है, मैं खुद क्या हूँ? व्यूवर्स, हम आपको बताएंगे कि ये कौन है। अबे चुप कर यार, निकल यहाँ से। भाई आप अपना काम करो। अपना काम करें जाएं। और नेम बताओ, किसी को तनकीद करके आगे जाना कौन सा अच्छी बात है? यार मैं हकीकत टीवी पे बिला वजह की तनकीद नहीं कर रहा। मैंने ये चैनल देखा और मुझे ये चैनल बहुत ज्यादा नेगेटिव लगा, जिन्हें कि तुम लोग इसकी वीडियोस देखोगे और तुम्हें लगेगा कि बस जंग होने वाली है और अभी दुनिया ने तबाह हो जाना है। लेकिन दुनिया के तबाह होने पे भी हकीकत टीवी कह रहा होगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें। HTV is excellent because you are crime. कोई लॉजिक ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं। मैं क्राइम हूँ, क्रिमिनल भी नहीं बनाया, क्राइम बनाया। आई एम श्योर यू आर वर्किंग फॉर इल्यूमिनाटीज। लख दी लानत तेरी बकवास ते, यहूदियों के एजेंट इल्यूमिनाटी की औलाद। कोई मुझे क्राइम कह रहा है, कोई इल्यूमिनाटी का वर्कर कह रहा है, कोई एजेंट कह रहा है। और तो और एक बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और मैसेज करके कहता है भाई इल्यूमिनाटी हो। अब अपने इल्यूमिनाटी के स्पेलिंग सही हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी टाइपिंग सही करने से ज्यादा फिक्र भाई को इस बात की है कि कहीं मैं इल्यूमिनाटी तो नहीं हूँ। इस सबसे मैंने यही सीखा कि अगर हकीकत टीवी को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करूंगा और आंखें बंद करके उसकी कहानियों पे यकीन नहीं करूंगा तो मैं इल्यूमिनाटी हो जाऊंगा। कैसा पागल कहीं के? डोट, हकीकत टीवी डोट सबसे बेस्ट चैनल है। ओके ओके ओके। आसिम चौधरी, आसिम चौधरी दो बार आसिम चौधरी। को शायद ये नहीं पता कि अकाउंट बनाते हुए फर्स्ट नेम में आसिम और लास्ट नेम में चौधरी लिखना था। लेकिन हाँ भाई साहब, हकीकत टीवी को सपोर्ट करते हैं तो और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। डैम, व्हाई ओनली 2.7K सब्स? यू डिजर्व मिलियंस। थैंक यू यार, मींस अ लॉट। बड़ी खुशी होती है जब कोई बंदा सपोर्ट करता है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। ये कुतिया है इसलिए मिलियंस नहीं है। अगर इसके नजदीक कुतिया का लेवल ये है ना कि जिसके मिलियन से जितने कम सब्सक्राइबर वो उतना ज्यादा कुतिया, तो इसके तो फिर जीरो सब्सक्राइबर है। यानी कि ये बंदा तो कुतिया के मैक्सिमम लेवल पे है। हाँ मेरे भाई, मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, लेकिन आप ही की बात का जवाब आपको दे रहा हूँ। और ऊपर से आपका नाम भी अरहम CH है। मुझे नहीं पता ये CH चौधरी के लिए लगाया हुआ है या कुतिया के लिए। कैसे दिया आप? बहुत कंट्रोल करता हूँ मैं कि मैं ऐसी लैंग्वेज यूज ना करूँ, लेकिन यकीन करो जब लोग मुझे आके बगैर लॉजिक के हेट देते हैं ना, तब फिर मुझे ज्यादा गुस्सा आता है। तो खैर यार, बस यही आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को पेल के रख दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो यार। बेशक तुम्हें भी हकीकत टीवी के ब्लाइंड सपोर्टर्स की तरह आंखें बंद करके सब्सक्राइब करना पड़े। और अगर वीडियो देख के जिंदगियों में सुकून है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि सुकून लेने का हक हर बंदे का। तो बस चलता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। धीमे 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 सेट मेरे सीने 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 सीने। गोरी तू बड़ी शरारती है, तुझे को शर्म क्यों आती है? कातिल तेरी निगाहें है, तू काट कले चले जाती है।